हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो स्पेस लवर्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में। आपके माइंड में कभी ना कभी यह क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इतनी सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, इन सब का जन्म कैसे हुआ। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट भी इन्हीं क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नासा का है। प्रीवियस कुछ ईयर्स से नासा एक ऐसे ही मिशन पर काम कर रहा है जिसे इन सभी क्वेश्चन के आंसर का पता चल सके। तो आइए हम इस मिशन को और डिटेल से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि नासा एक ऐसे स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है जो यूनिवर्स को डिटेल से समझने में मदद करेगा। इस मिशन का नाम स्पेरेक्स है। स्पेरेक्स मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ईपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है और इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होगी। इस मिशन की कॉस्ट लगभग 242 मिलियन यूएस डॉलर होगी, यानी कि 1694 करोड़ रुपीस। इस मिशन को अंजाम देने के लिए नासा ने इसे 2023 में लॉन्च करने का फैसला लिया है। ये मिशन साइंटिस्ट को सबसे पहले ये जानने में हेल्प करेगा कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। इस मिशन की मदद से नासा मिल्की वे में प्रेजेंट मोर देन 100 मिलियन स्टार्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर पाएगा। आइए अब हम ये जानते हैं कि इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। स्पेरेक्स का काम होगा मिल्की वे के नियर बाय गैलेक्सीज का सर्वे करना। उनमें से कुछ गैलेक्सीज तो इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट को अर्थ में पहुंचने तक 10 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ये स्टीलर नर्सरी रीजन में, जहाँ डस्ट और गैस से स्टार बॉर्न होते हैं और स्टार्स के अराउंड डिस्क जिस पर प्लैनेट फॉर्म होते हैं, वहाँ पर लाइफ असेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल की खोज करेगा। हर 6 महीने में स्पेरेक्स पूरी आकाशगंगा का सर्वे करेगा, जिसमें अर्थ की सैटेलाइट्स और मार्स के स्पेसक्राफ्ट भी शामिल होंगे। ये मिशन 96 डिफरेंट कलर बैंड के साथ पूरी आकाशगंगा का एक मैप बनाएगा। ये दूसरे टारगेट को भी आइडेंटिफाई करेगा ताकि फ्यूचर में हम इनके ऊपर और डिटेल से स्टडी कर सकें। ये ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पिक्चर्स भी लेगा, जो कि ह्यूमन आई की नज़र में इनविजिबल है। अब आप सोच रहे होंगे, इंफ्रारेड लाइट ही क्यों? क्योंकि बॉडी में से जो हीट निकलती है उसे इंफ्रारेड लाइट की मदद से मेजर किया जाता है। इंफ्रारेड लाइट को यूज करने का एक और रीजन ये भी है क्योंकि इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, जिस वजह से ये डेंस गैस और डस्ट पार्टिकल जो कि स्पेस में प्रेजेंट होते हैं उनसे लेस स्कैटर और लेस एब्जॉर्ब होते हुए इजीली पास हो सकती है। इसी वजह से इंफ्रारेड लाइट ऐसी चीजें रिवील कर सकती है जो कि नॉर्मली ऑप्टिकल टेलीस्कोप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी विजिबल लाइट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कुछ गैलेक्सीज और स्टार्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उनकी लाइट हम तक पहुंचने में कई लाइट ईयर्स लगा देती है, और अगर हम इस लाइट को डिटेक्ट कर पाएं तो हम उस गैलेक्सी या स्टार के अतीत में देख पाएंगे, और यही काम ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी करेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्पेरेक्स की शुरुआत कब से हुई। स्पेरेक्स का प्रपोजल नासा को 19 दिसंबर 2014 को सबमिट किया गया था, और इसे फर्दर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए 13 जुलाई 2015 को स्मॉल एक्सप्लोरर प्रोग्राम SMEX की डिटेल स्टडी रिपोर्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। इसके बाद इस मिशन से कम्पीट करने के लिए और मिशन आए, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से फरवरी 2019 तक हरी झंडी मिल पाई। इस मिशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा जिसमें एक ऑब्जर्विंग मोड होगा जो अपने मिशन के ड्यूरेशन तक पूरी आकाशगंगा की 4 बार मैपिंग करेगा। आज के टाइम पर जो गैलेक्सी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इन्फ्लेशन का मतलब है गैलेक्सी का एक्सपेंड होना जस्ट आफ्टर बिग बैंग, और इनकी वेरिएशन को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट की टीम वही करेगी जो एक्सप्लोरर करते हैं, मेकिंग अ मैप। साइंटिस्ट इन मैप्स का यूज करके कुछ टारगेटेड चीजों को डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि गैलेक्सी की हिस्ट्री को एग्जामिन करना ओवर कॉस्मिक टाइम, इंटरस्टीलर आइसिस का रोल स्टार और प्लैनेट के फॉर्मेशन में, और इन्फ्लेशन के प्रोसेस के बारे में जानना ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि स्पेरेक्स मैपिंग इंफ्रारेड में करेगा तो गैलेक्सी के डिस्ट्रीब्यूशन को उनकी पोजीशन और रेडशिफ्ट से नोट किया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रेडशिफ्ट क्या भला है। रेडशिफ्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लाइट एमिट की गई है या जो रिसीव की गई हो वो रेड हो।
बल्कि ये टर्म रेफर करती है ह्यूमन के परसेप्शन को हायर वेवलेंथ के लिए, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। रेड शिफ्ट का एग्जांपल है गामा रे, जो कि एक्सरे में से परसीव की जाती है। रेड शिफ्ट के तीन मेन कॉजेज हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट स्पेस में एक दूसरे से दूर जाते हैं या पास आते हैं। सेकंड, स्पेस अपने आप में ही एक्सपेंड हो रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं बिना उनकी पोजीशन चेंज हुए, और इसे कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट भी कहते हैं। थर्ड, जो रेड शिफ्ट स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जर्व की जाती है, उसे ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहते हैं। इससे स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है और लाइट और अदर पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट होता है। इस मिशन से हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिल सकती हैं, जैसे कि बर्थ ऑफ यूनिवर्स, और इसके ज़रिए हमें यूनिवर्स के फर्स्ट मोमेंट्स के फिंगरप्रिंट्स भी मिल पाएंगे, और हमें फिर साइंस की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री के क्लूज मिल जाएंगे, जैसे कि बिग बैंग के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे कुछ नैनो सेकेंड्स में यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया और इससे हमें यूनिवर्स में प्रेजेंट लाइफ मिल गई। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये मिशन स्पेस की फील्ड को जानने के लिए एक रिवॉल्यूशन साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारी MIS की वीडियो को देखने के लिए लेफ्ट कार्ड पर क्लिक करें, और हमारी गगनयान की वीडियो देखने के लिए राइट कार्ड पर क्लिक करें। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।